जो स्वाति 5 साल से लगातार 5-6 साल से तो एक्टिवली देख रहे हैं, उससे पहले 5 साल से, उसके पहले 10 साल से लगातार संघर्ष में तो मैं देख रही हूँ। किसके लिए ये सारा संघर्ष, किसके लिए हो रहा है? पूरे देश की बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए। एक जब अन्ना जी का आंदोलन चला था तब हम सब जल लोकपाल बिल की लड़ाई लड़ रहे थे, जो हमारा राइट है, जो हमारा अधिकार है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की सपना लेके हम सब आए थे। और आज जब बेटियों के ऊपर जब मुसीबत आई है, बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है, उसके लिए एक कानून की मांग लेकर हम सब आज इकट्ठे हुए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात हम सब कर रहे हैं। और जिसमें आज हमारी बहन स्वाति 2 दिन हो गया, 2 दिन से उसने कुछ अन्न नहीं खाया। साथियों, हम सब के लिए बहुत चिंता की विषय है। पहले ही उसके शरीर में जान नहीं है और उस पर से 2 दिन से कुछ नहीं खाना, शायद मुझे लगता है जो घर में भी हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो आप सब इस आंदोलन में, इस उपवास में अपना सहयोग करें, क्योंकि ये आज किसके साथ कब हो जाएगा, कहाँ होगा ये दुर्घटना, ये कहना मुश्किल है। हम सबके घर में बेटियां हैं, हम सबकी बहनें हैं, आज बहुत चिंता की विषय है। और ये चिंता को शायद इतनी नजदीकी से, इतनी करीबी से आज हमारी स्वाति बहन ही समझ पा रही है। और लगातार अभी तक जितनी भी महिला आयोग की अध्यक्ष रही, उसकी शायद नामो निशान हम तक नहीं पहुंच पाई, हम लोग शायद जान भी नहीं पाए, लेकिन जब से ये कुर्सी मिली है सब कुछ इनको भी सब कुछ मिल सुख। ये भी चाहती तो अपने ऑफिस से, केबिन से बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये महिलाओं के न्याय दिलाने के लिए जगह जगह, गली गली, रात रात, दिन दिन, एक एक महीना घर नहीं जाना, ये संघर्ष लगातार करती रही। साथियों, ये देश का दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जो आज हमें अपने न्याय के लिए स्वतंत्र भारत में दर दर भटकना पड़ रहा। जिस सरकार की मंशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ पोस्टर और होर्डिंग का स्लोगन बन के रह जाए, ये हम सबके लिए बहुत दुख का बात है। तो हम सब चिंतित हैं और कल से पूरे देश को सोचना पड़ेगा, और मैं पूरे देश की बात कर रही हूं। जिस तरह से उन्नाव में बेटी के साथ हुआ, एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए उसके बाप को मार दिया गया, और आज चंद सत्ताधारियों की सुरक्षा के लिए उन बेटियों को, तो बेटी के बाप को तिल तिल मरना पड़ा। हर बेटी की जो भी बहनें होती हैं उनके भाई दिन रात चिंतित होते हैं। आज मैं माँ हूं, मेरे पास भी एक छोटी सी बेटी है, 2nd क्लास में पढ़ती है। आज विश्वास नहीं करोगे आप, आज मुझे खुद लाना पड़ता है स्कूल और खुद छोड़ना पड़ता है। हमारे हस्बैंड उसको छोड़ने जाते हैं, लाने जाते हैं, क्यों? क्योंकि आज के समय में किसी पे विश्वास नहीं रह गया। ऐसी एक व्यवस्था है जिसमें डर की नाम की चीज ही नहीं है। जो हमारे समाज में जो व्यवस्था बनी हुई है, वहां डर की नाम की कोई चीज नहीं रह गई, क्योंकि जिस मांग को लेके हमारी बहन बैठी है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 महीने 4 महीने में उसको सजा मिले, तभी तो डर होगा। आज के डेट में जब सजा ही मिलने में 40 साल लग जाती है, जब हमारी बेटियां उन सजा को कोर्ट के धक्के खा खा के लास्ट में वो खुद ही सिलेंडर भर जाती है। बहुत सारे ऐसे केस है। अभी हमारा एक बच्चा आंकड़ा दिखा रहा था, आंकड़े की बात मत करिए, आंकड़े में तो सिर्फ जिसकी FIR दर्ज होती है वही आती है, बहुत सारे आंकड़े तो दिलों में दब जाते हैं, वो बोल ही नहीं पाती इस
मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस सारे प्रोसेस से, इस कानूनी पेचीदगी की वजह से वो चुपचाप घुट के घर में ही रह जाती है। आज जिस संस्था पे हम कहीं से भी थक हार जाते हैं तो हम कहते हैं महिला आयोग जाओ। आज हमारी महिला आयोग की अध्यक्षा की स्थिति ये आपनी है जो उनको खुद उपवास पे बैठना पड़ा, ये हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय। हमारी ऑफिस में कभी कोई महिला आती है तो पुलिस नहीं सुनती तो हम कह देते हैं जो कि चले जाओ, महिला आयोग जरूर सुनेगा। लेकिन महिला आयोग के पास भी जो सुरक्षा के लिए हमारे पास पुलिस पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए वो हम सबके पास नहीं है। आज हमारे पुलिस किसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं तो कुछ चंद समाज के ठेकेदारों की सुरक्षा में हमारी पुलिस लगी हुई है, हमारी बेटियों की सुरक्षा में नहीं। तो मैं आज जितने भी महिला साथी हैं, मैं एक अपनी छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ। जब मैं एलजी साहब के पास गई और मैंने उनसे कहा जो गली गली में शराब की लिकर शॉप है जहाँ 20 रुपए में भी छोटा छोटा दारू का पाउच मिल जाता है, सर जी उसको बंद करवाने के लिए कोई योजना बनाइए, कोई ऐसी अपनी मैकेनिज्म इस्तेमाल कीजिए जिसकी वजह से वो छोटे छोटे गलियों में जो दारू की दुकान ठेके बने हुए हैं उनको बंद करवाने की कोई व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा ये हमारे हाथ में नहीं है, पुलिस इतनी नहीं है जो पुलिस को ये ड्यूटी लगा दे जो दारू की दुकान बंद करवाए। आज मैं एकदम सबूत के साथ कह सकती हूँ जितने भी क्राइम हो रहे हैं ये दारू के नशे में हो रहे हैं, ये शराब के नशे में हो रहे हैं। और शराब की जो गली गली में दुकानें खुली हुई है, सबसे पहला जिसकी मुहिम भी स्वाति जी ने खूब चलाई, एक डेढ़ महीने वो घर नहीं गई, लेकिन साथियों फिर वही स्थिति है। आज हर गली में हर ठेके पे पुलिस की मिली भगत से, पुलिस को पता है जो कहां दारू के ठेके हैं, कहां किस गलियों में दारू की दुकान है, कहां सरेआम बिक रहा है, लेकिन साथियों वो काम रुक नहीं रहा। और जिसकी वजह से हमारे छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, दिल्ली में क्राइम बढ़ रही है, चाहे वो एक पारिवारिक झगड़ा भी हो, मुझे लगता है होशो आवास में नहीं होती जो रात में हम सब का मोबाइल कॉल सेंटर बना होता है। तो हम सबको इन छोटी छोटी बातों को समझाने के लिए एक ऐसी ही हमारे पास एक सर्विस है जो पुलिस की सर्विस है जो हमें सुरक्षा देगी। अभी मैं तुरंत आ रही हूँ, एक 16 साल की लड़की गायब है हमारे क्षेत्र में, अभी ऑफिस में आई थी, माँ उसकी इतनी रो रही थी, हम तो पुलिस को ही बोलेंगे ना भाई ढूंढ के लाओ उसकी बच्ची को, हमारे पास कोई ऐसे सिस्टम तो नहीं है। लेकिन पुलिस पर्याप्त मात्रा में हम सबके पास नहीं होगी, पुलिस की कैपेसिटी ज्यादा नहीं होगी, पुलिस को बेटियों की सुरक्षा के लिए अगर नहीं लगाई जाएगी तो बहुत मुश्किल है। तो आज जो हमारी सेंट्रल में भारत सरकार में बैठे हुए बेटी की नुमाइंदगी की बात करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के इस मंच के माध्यम से विनती करती हूँ, जो एक हमारी बहन है, इनकी छोटी सी मांग है, इनकी बहुत बड़ी मांग नहीं है, जो आप रातों रात क्या एक आपके सिग्नेचर से ये संभव है, जो आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए रेप विक्टिम के लिए और जल्द से जल्द उनको सजा मिले और वो सजा समयबद्ध तरीके से मिले ताकि हमारी बेटियां सुरक्षित रहे। और एक जितनी भी हमारी महिलाएं हैं जो साथी हमारे सुन रहे हैं, सभी महिलाओं से कहती हूं आज सड़क पे आने का मौका है, आज सड़क पे हम सबको आना पड़ेगा, नहीं तो आज किसी की बेटी है कल हमारी बेटी होगी, कल आपकी बेटी होगी, किसी और की बेटी हो सकती है। तो मैं सभी महिला साथी से, सभी बहनें जो घर में बैठी हुई हैं, क्योंकि आपको पता है छोटे छोटे एक प्रोग्राम होते हैं प्रधानमंत्री जी के कहीं उनके लोगों की, तो मीडिया वहां बड़ी तेजी से पहुंच जाती है, लेकिन शायद इस बात को पहुंचाने के लिए मीडिया आपको घर तक नहीं पहुंचेगी, आपको मीडिया बनना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा घर घर। एक हमारी बहन एंसन पे बैठी हुई है और सबको बताना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारी महिलाएं यहाँ पे आए
और अपनी बातों को मजबूत अगर करना है, अपनी आवाज को मजबूत करना है, तो आपको स्वाति मालीवाल जी के साथ खड़े होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।